पाकिस्तान में तख्ता पलट का खतरा झेल रहे इमरान खान ने बयान दिया है कि वो पीएम मोदी के साथ एक टीवी डिबेट करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान और भारत के बीच मतभेदों को सुलझाया जा सके। वैसे इमरान खान से इसी तरह के बचकाने सुझाव की उम्मीद की जा सकती है। इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं टीवी पर नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों लोगों के लिए फायदेमंद होगा और हम इसके जरिए मतभेदों को सुलझा सकते हैं। वैसे इमरान खान की बात को माने तो सभी देशों को अपने विदेश मंत्रालय बंद कर देने चाहिए और किसी टीवी डिबेट शो में बैठकर देश को चलाना चाहिए। वैसे ये भी अच्छा होगा कि जब अगली बार पाकिस्तान को देश चलाने और आतंकियों को पालने के लिए पैसे की जरूरत हो तो वो शी जिनपिंग के साथ टीवी डिबेट में उधार मांग ले। बहरहाल हमने थोड़ी रिसर्च करके ये पाया आखिर इमरान खान पीएम मोदी के साथ टीवी डिबेट में क्यों बैठना चाहते हैं। चलिए तो आप पहली वजह सुन लीजिए। पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो हो सकता है कि इमरान खान इस बारे में कुछ बताना चाहते हो। दूसरा कारण ये कि पीओके और बलूचिस्तान कैसे उनके हाथों से निकलता जा रहा है, उस पर वो पीएम मोदी को कोई अपडेट देना चाहते हो। तीसरा कारण ये है कि पाकिस्तान पर FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने का खतरा बना हुआ है, तो जाहिर है इमरान खान ने अपने देश में पल रहे सभी आतंकियों को सजा दे दी होगी। हाफिज सईद भी अभी जेल में सड़ रहा होगा, तो ये जरूरी बात भी उन्हें पीएम मोदी को बतानी है। और सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि इमरान खान पीएम मोदी को कश्मीर में हो रहे जबरदस्त विकास के लिए बधाई देना चाहते हो। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.